मैं हूं अनुपमा पाल, वेलकम बैक टू आवर चैनल DIY क्वीन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, नवरात्र आ रही है और नवरात्र हम लोग इसलिए सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि माँ दुर्गा ने महिषासुर को हरा के बुराई पे अच्छाई की जीत लेकर आई थी और ये फेस्टिवल 9 दिन तक चलता है। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है इस दिन के लिए? मंदिर। तो मैं लेकर आई हूँ DIY मंदिर सेटअप। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं, पर हाँ उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना। एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हमें चाहिए एक टेबल माता की चौकी बनाने के लिए। आप अपने घर पे कोई भी टेबल यूज कर सकते हो और इसको कवर करने के लिए हमें चाहिए टेबल क्लॉथ। तो मेरे पास कुछ खास टेबल क्लॉथ था नहीं, तो मैंने लिया है ये कर्टन जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रहा है। तो मैंने अपने टेबल को कर दिया अच्छी तरीके से कवर और अब हमें चाहिए ढेर सारा सेफ्टी पिन क्योंकि हमें इसको जगह जगह से पिन अप करना है। और हाँ, इस पिन को हम अंदर की तरफ से पिन अप करेंगे क्योंकि ये पिन दिखे ना तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो मैंने ली है ये येलो कलर की साड़ी। आप ऑरेंज, रेड, कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं क्योंकि मेनली हम माता जी के लिए यही कलर यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको पूरी तरीके से खोल लेंगे। अब हम इस साड़ी का मिड पार्ट लेके यहाँ पे रस्सी से बांध लेंगे। अब इसको हम इस तरीके से यहाँ पे हैंग कर लेंगे और ये जो दो साइड से साड़ी के पोर्शन है उसको सबसे पहले हम पीछे की तरफ ले जाएंगे और ये वाले पोर्शन को हम आगे की तरफ लेकर आएंगे। दूसरे साइड से भी हम सेम करेंगे, इस जगह पे हम पिन कर लेंगे और मेक श्योर कि हम पीछे की तरफ से पिन करें ताकि वो सेफ्टी पिन दिखे नहीं। और एक नीचे के साइड भी हम पिन कर लेंगे। अब ये अच्छे तरीके से यहाँ पे पिन लग चुका है। अब हम इसको टाइट खींच के यहाँ पे पिन अप करेंगे ताकि ये लूज ना हो। और अब ये जो फैब्रिक अंदर की तरफ जा रहा है इसको भी हम खींच के यहाँ पे पिन अप कर लेंगे ताकि ये अच्छा दिखे। ये यहाँ पे अच्छी तरीके से पिन अप हो चुका है। अब ये सेम प्रोसेस हम उधर की साइड भी करेंगे। अब ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बची हुई है इसको हम यहाँ से लेके इस जगह पे पिन अप कर लेंगे। अब इसको इस तरीके से यहाँ पे ऐसे फैला लेंगे। और अब हम इसको करेंगे डेकोरेट थोड़ा बहुत। तो उसके लिए हमें चाहिए फूल। अब हमें चाहिए 5 फूलों की लड़ी और हम इसको एक साथ करके बांध लेंगे। अब इस फूलों की लड़ियों को भी हम सेम जगह पे हैंग कर लेंगे। अब हम एक लड़ी लेके यहाँ कॉर्नर पे पिन कर लेंगे। यहाँ पे हमने ये पिन अप कर लिया। अब हम चारों कॉर्नर में सेम प्रोसेस करेंगे। अब ये तो हो गया। अब मैं लूंगी रेड कलर के फ्लावर्स और इनसे अंदर की तरफ डेकोरेट करूंगी। आप ऐसे भी डेकोरेट कर सकते हो या फिर आप अपनी मर्जी से अपने फूलों को सजा सकते हो। तो मैं अब इन फूलों को यहाँ पे ऐसे पिन कर रही हूँ। अब सेम इसी तरीके से उस कॉर्नर पे भी। अब हम इसको बीच से डबल साइडेड टेप की मदद से लगा लेंगे। अब मंदिर तो हो गया है पूरी तरीके से डेकोरेट। अब बारी है मेरे मंदिर को थोड़ा चमकाने की। तो उसके लिए हम लेंगे फेरी लाइट। अब इसका मेट पोर्शन लेके वहां पे हैंग कर देंगे। अब मेरा मंदिर हो गया ऑलमोस्ट रेडी। बस ये लास्ट चीज रह गई है, इसको भी मैं लगा देती हूँ। पर मुझे लगता है अभी भी कुछ कमी लग रही है। तो चमक रहा है ना मेरा मंदिर। बस इसमें माता रानी को रखना है और उसके लिए पहले मैं रेडी तो हो गया हूँ। अनु तो गई है एग्जाम देने, तो चलो मैं ही आपको बता देती हूँ कि इसने नवरात्रि के लिए आउटफिट कैसे स्टाइल किया है। यहाँ पे इसने रेड कलर का लहंगा पहना हुआ है और कॉन्ट्रास्ट में व्हाइट कलर का दुपट्टा लिया है और साथ में कैरी किया है इस रेड कलर की ज्वेलरी को। अगर आपको भी फेस्टिविटीज में कपड़े स्टाइल करने हैं तो आप इस तरह से कोई भी ब्राइट पॉपिंग कलर पहन सकते हो और ये बहुत अच्छा लगेगा। सेटअप तो आप ऑलरेडी देख चुके हो, पर आप बैकग्राउंड को और भी डेकोरेटिव बना सकते हो इस तरह से गमले और फूल सजा के। साथ में आप कुछ फेरी लाइट्स भी लगा दो, बहुत सुंदर लगेगा जैसे हमने लगाया है।
तो मैं आ गई हूँ रेडी होके और अब मैं अपने माता रानी को लेके आती हूँ। रेडी होने के बाद माता रानी की मूर्ति स्थापित कर देते हैं और फिर इन्हें भी तैयार कर देते हैं। सबसे पहले चुनरी पहनाई है और कलश स्थापित कर दिया है और पहना दिया माला। अब थाल भी सजा करके पूजा शुरू कर देते हैं। इस नवरात्रि आप सभी अपने अपने घरों में ये DIY मंदिर सेटअप जरूर ट्राई करना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ढेर सारा लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना तो बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। एंड हाँ, हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू।